सक्सेसफुली ऑन। और इससे पहले आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के सकारात्मक होने की कामना की। उन्होंने देशवासियों को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं देते हुए कल पेश होने वाले बजट को अमृतकाल का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट 2047 के विकसित भारत के सपने मजबूत करने वाला होगा। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नकारात्मक रवैये पर उन्हें निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का आदेश दिया उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया गया। कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा के लिए है। हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं, जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है। देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है, देश को
एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण को आर्थिक सुधारों के दिखाने वाला करार देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आर्थिक सर्वेक्षण हमारी अर्थव्यवस्था की वर्तमान शक्ति पर प्रकाश डालता है और हमारी सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणामों को भी दर्शाता है। जैसे जैसे हम विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यह भावी विकास और प्रगति के क्षेत्रों की भी पहचान करता है।